साथियों नमस्कार। आज हम हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा खाना तैयार कर रहे हैं। आज बहुत अच्छी बेहतरीन खाद हम बनाने जा रहे हैं। आज हम देखिए कि अगर आप किचन कंपोस्ट बनाना चाहते हैं लेकिन आपके पास में जगह नहीं है, जगह के कमी के कारण आप कंपोस्ट नहीं बना पा रहे हैं, उसका सेटअप नहीं लगा पा रहे हैं, तो मेरे पास उसका बहुत एक अच्छा तरीका है। वो क्या है कि ये देखिए, ये जैसे कि आप किचन कंपोस्ट बनाने के लिए किचन के में से जो हरी सब्जियों के छिलके निकलते हैं, केले के छिलके, हरी सब्जियों के जो छिलके निकलते हैं, जैसे मटर के छिलके हो गए, आलू प्याज के छिलके हो गए और खीरे के छिलके हो गए, उसको और उसके साथ साथ आप केले के फलों के सारे छिलके भी ले सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये केले के छिलके हैं मेरे पास में, ये संतरे के छिलके हैं, ये इवन मैं ये मूँगफली के छिलके जो है ना, ये भी डालती हूँ। ये मेरे पास में चाय पत्ती मैंने सुखा के रखी हुई है और ये मैंने पीसा हुआ मेरा ये केले का छिलके का है। और ये सारे, ये देखिए, ये तो है ही है, इसके साथ में मैंने ये सारे छिलके सुखा के रख लिए हैं। अब इन छिलकों को हम क्या करेंगे, इन छिलकों को हम ये करते हैं कि मिक्सी में हम डाल लेते हैं। ये जैसे मिक्सी में हमने डाल लिया, अब हम इसको पीस लेते हैं। जैसे कि ये मैंने कुछ पीसा हुआ है, ये मैं सारे पीसा के दिखाती हूँ आपको और फिर आती हूँ। ये देखिए, ये सारे जो छिलके इतने सारे दिख रहे थे वो कितने से हो गए हैं पीस के, ये सारे छिलके हैं जो पीस गए हैं। ये केले के छिलके का है और ये जो मैंने मूंगफली के छिलके बताए थे ये उसके हैं। अभी आप पूछेंगे मूंगफली के छिलके क्या काम करेंगे। मूंगफली के छिलके ये काम करेंगे कि ये कोकोपीट का काम करेंगे, मिट्टी को भुरभुरी बनाने का काम करेंगे। अब इसमें हम क्या कर देंगे कि ये जो मेरे पास में नीम की पत्तियां है, पत्तियों का पाउडर है, ये मैं मिक्स कर दूंगी इसमें, ताकि मतलब अपने पौधे के लिए अच्छा मतलब वो हो और कीड़ा ना या ऐसे कुछ भी चीटी विटी ना आए जब। तो ये है, ये देखिए हमारी एक बेहतरीन खाद तैयार हो गई। इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, इसको स्टोर करेंगे तो लंबे समय तक के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और इस खाद को आप पॉटिंग मिक्स में भी भर सकते हैं, अपने पॉटिंग मिक्स में भी मिक्स कर सकते हैं। इसमें और बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। इसमें अगर आपके पास में राख है तो राख भी बाद में मिक्स कर सकते हैं। ये तो मैं अभी ऐसे ही स्टोर करके रख दूंगी, ये अलग स्टोर करूंगी, ये अलग स्टोर करूंगी, क्योंकि ये कोकोपीट का काम करेगा और ये खाद का काम करेगा। ये आपका केले का छिलका है, ये न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह सब कुछ देगा प्लांट के लिए। और ये सूखी हुई चाय की पत्ती है, ये भी वही जो केले का छिलके का मतलब काम होता है, वही काम ये चाय पत्ती भी करती है। तो अपने प्लांटों के लिए बेहतरीन खाद घर में ही बनाएं, ऑर्गेनिक खाद, नो केमिकल, कोई हार्म नहीं है अपने प्लांट के लिए, और बेहतरीन फूल पाए और उनको भी अच्छी खाद दे तो वो भी अपने घर में मतलब अच्छे से पलेंगे तो फूल बहुत अच्छे से देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और कॉमेंट जरूर करें। और